हाय एवरीवन, ये वीडियो क्लास नाइन्थ के लिए बनने जा रहा है जहां हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो चल रहा है ना वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है, जिसमें टोटल 7 एक्सरसाइजेस हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें 2 कर चुके हैं, आज तीसरा करना है। ये वीडियो पार्ट 3 कहलाएगा जहाँ हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सीखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बेस्ड एक पूरा एक्सरसाइज है जो आज मैं कराने वाला हूँ आपको। हाँ, इससे इम्पॉर्टेंट एक बात और बताना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा एक एक्सरसाइज, एक ऐसा टॉपिक है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि 9th के बाद यूज़ में नहीं आएगा। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को 8th क्लास में किए थे, लास्ट एक्सरसाइज जो आपका फैक्टराइजेशन का था वहाँ आप लोग किए थे, उसी को थोड़ा सा अपग्रेडेड अपडेटेड वे में आज पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, इसको इतना अच्छे से पढ़ना है और इतना दिमाग में अच्छे से रखना है इसको कि नेक्स्ट ईयर जब 10th में हम जाएंगे तो 2 चैप्टर में इसका यूज़ है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स पढ़िएगा ना तो वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप अभी जो पॉलिनोमियल पढ़े हैं इस क्लास में 9th में, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिक्र किया गया है, तो वहाँ हम लोग 10th में जब करेंगे ना तो जीरोज निकालने में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का काम आएगा। हाँ, और एक चैप्टर पूरा बेस्ड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस ये समझ में आना चाहिए आपको कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये केवल 9th तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये 10th में बहुत काम आने वाला है और 9th एज वेल एज 9th में भी काम आने वाला है। तो आज उसको हम लोग सीखेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात कि जिस बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम नहीं आता है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि इसको हम स्टार्टिंग लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको कुछ नहीं आता है उसको आज से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पूरा अच्छी तरीके से आने लगेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। हाँ, मेरा कोशिश है, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, फॉलो करिएगा तो जरूर समझ में आएगा। चलते हैं पार्ट 3 में, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। लेट्स बिगिन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है क्या उसको पहले समझते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, देखिए नाम से पहले समझिए, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं ठीक है, आप सुने होंगे किसी का नाम जो होता है, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का नाम, तो कोई पूछ देता है आपसे कभी कभी कि अपने नाम का मीनिंग बताओ, तो नाम का मीनिंग जानना होता है ना, उससे रिलेट करते हैं आपके आपको। उसी तरह यहाँ भी है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है ना, इसके नाम पे थोड़ा गौर करो, सब क्लियर हो जाएगा। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसके नाम को क्लियर करो, गौर करो, ध्यान से करो, समझो, तो क्लियर हो जाता है हर चीज़। तो यहाँ क्या है, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल का मतलब होता है बीच का टर्म, मतलब ऑब्वियस है यहाँ 2 से ज़्यादा टर्म होने वाला है ठीक है। पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे ना, टर्म के आधार पे और डिग्री के आधार पे, तो टर्म के आधार पे था ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, यहाँ ट्राइनोमियल को पढ़ना है, ट्राइनोमियल याद रखिएगा, ओनली ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल कैसा होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ट्राइनोमियल है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो क्या बनाइए, ये तीनों टर्म मिला के क्या बना लिया, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल तो कहलाया। साथ ही साथ इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इसी को बोलते हैं, पावर 2 है ना, डिग्री के आधार पे, ये हो गया टर्म के आधार पे ट्राइनोमियल, और डिग्री के आधार पे, बेस्ड ऑन डिग्री, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो, जो बोलना बोल सकते हैं। हाँ, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बताया हुआ है पहले से। तो इसी के बारे में आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसको ब्रेक करना सीखेंगे, किस तरह ब्रेक होता है ठीक। अब देखो यहाँ क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तीनों का मतलब समझिए, मिडिल टर्म मतलब बीच का टर्म, ऑब्वियस इन 3 टर्म के बीच, 2 टर्म में तो कोई बीच का मिलेगा नहीं, हाँ 4 टर्म होगा, 4 टर्म्स, तो क्वाड्रिनोमियल जिसको बोलते हैं, जिसमें बीच का 2 टर्म मिल जाएगा। तो हमको ट्राइनोमियल में क्या होगा कि एकमात्र यही बीच का टर्म है, इसी को ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना, अलग करना,
उसको सीखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिसको आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इजी से डिफिकल्ट वे में। ठीक, तो एक क्वेश्चन जैसे कि मेरे नज़र में है वो है ऐसा है, मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। मेरा देखिए इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आपको बता दें, टेंथ में एक वीडियो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बना हुआ है, वहाँ आपको बताया ना कि यहाँ पढ़ना है तो यहाँ साथ ही साथ वहाँ भी पढ़ना है, तो वहाँ बताए हुए हैं और बहुत अच्छे बेसिक लेवल से बताए हैं, स्टार्टिंग लेवल से। लेकिन उससे अच्छा ये वीडियो होने वाला है, अच्छा इस सेंस में कि वो ख़राब था और ये अच्छा ऐसा नहीं, उससे ब्रीफली होने वाला है क्योंकि इस वीडियो का हेडिंग ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक, वहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनाया गया वीडियो है। तो क्या है देखिएगा, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है ना कि देखिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको मेनली क्या सीखना है कि दो प्लस है, अगर दो माइनस हुआ तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक प्लस एक माइनस हुआ तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, अगर ये माइनस और ये प्लस हुआ तो। इसके अलावा कोई कंडीशन है आपके पास? नहीं है। तो ये चार कंडीशन में इस क्वेश्चन को सीखना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है तो ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, आपके लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। टेंथ में जब जाओगे तो वहाँ कुछ क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता, उसके लिए अलग मेथड है, अलग फॉर्मूला है, वो भी जीरोज निकालने के टर्म में, श्रीधराचार्य रूल, जो आप पढ़ोगे टेंथ में ऐसे वीडियो में है। तो फिलहाल उधर ध्यान नहीं देना, इधर आ जाइए आप देखने कि कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले प्लस प्लस का एक केस है ये ले लेते हैं, फिर माइनस माइनस ले लेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, देखिए क्या होता है, हमको बीच वाले टर्म को ब्रेक करना है, और ब्रेक ऐसा करना है ना कि ब्रेक मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फाइव रुपीज़ है आपके पास, तो टू रुपीज़ का एक कॉइन हो गया और एक वन रुपीज़ का कॉइन हो गया और एक टू रुपीज़ का कॉइन हो गया, मतलब तीन पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे, वापस से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव। टेन रुपीज़ है आपके पास, फाइव रुपीज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ सेवन प्लस है तो अब कैसे किए कि जोड़ के करना है, तो यहाँ देखिए क्या है, सेवन को ऐसा ब्रेक करिए ना कि वो दो नंबर को दो ही नंबर में ब्रेक करना है, तो ऐसा नंबर में ब्रेक करिए कि वो आपस से ट्वेल्व आ जाए, इनटू करने से और ऐड करने से कितना आ जाए, सेवन। ध्यान से सुनिएगा, टाइम लगेगा इस वीडियो में पर पूरा कोशिश करेंगे कि हम बता पाएं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, रूल यही कहता है, स्टेप वन जो है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आया, प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, पूरा लिखना है, एक्स इंटू ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, प्लस साइन हो गया, इसका भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। इसका खाली कोएफिशिएंट को बाहर निकाल लीजिए और इसका एलसीएम लीजिए, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स और थ्री वन जा थ्री, क्या आया फैक्टर, टू इंटू टू इंटू थ्री, यही आया ना। यहाँ हमको सिर्फ दो चाहिए, तीन है तो इसका दो बनाओ आप, तो टू फैक्टर्स बनाना है इसका। ठीक, तो टू टू जा फोर इंटू थ्री लिख सकते हैं इसको, मतलब इंटू करने से ट्वेल्व आना चाहिए, टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व आ रहा था ना, बट तीन नहीं चाहिए दो चाहिए, तो फोर थ्री जा ट्वेल्व हुआ। ठीक, अब क्लियर है, अब क्या करना है कि कोई और नंबर बनेगा क्या इससे, बनेगा, टू इंटू टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व होता है, हाँ, और कोई बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व बनेगा, और कोई बनेगा, मेरे हिसाब से लगता नहीं बनेगा, इनके हेल्प से तो कोई बनने वाला नहीं है, बस यही तीन बनने वाला है, और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से ट्वेल्व आता है, किसी दो नंबर को सोचो नहीं आता है, मेरे हिसाब से तो नहीं आता है। तो ये अब तीन नंबर निकला ना, ये तीनों में से कोई यहाँ सेट होने वाला है। अब इस साइन का रोल है, किस साइन का रोल है, ये स्टेप टू। स्टेप वन में एलसीएम निकाल के दो नंबर को खोजना है, तो यहाँ मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक दो तीन। किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर कितना आसान है, इतना क्यों बता रहे हैं, ये क्वेश्चन के लिए आसान है, आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो यही मेथड को फॉलो करना है, तब यही आसान काम नहीं हुआ हो पाता है इस वजह से। तो क्या आएगा इन सब में, देखो यहाँ क्या साइन है, स्टेप टू क्या बोलता है, इस साइन को देखो और प्लस करना स्टार्ट करो, तो यहाँ साइन क्या है, प्लस, तो प्लस करने लगो, माइनस है तो माइनस करने लगो, तो दोनों में से कोई एक ही साइन होगा एट ए टाइम, तो प्लस है यहाँ तो प्लस करो, अब प्लस करके कितना लाना है, सेवन, ध्यान देना, प्लस करके कितना लाना है, सेवन, फोर और थ्री को प्लस करेंगे कितना आएगा, सेवन,
2 और 6 को प्लस करेंगे कितना आएगा 8, और 12 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 13, तो ये कैंसल, कौन सही निकला, ये, मतलब 4 और 3 आपका नंबर सर्च हो गया, खोज लिए आप 4 और 3, रखना है x स्क्वायर 4x 3x प्लस 12। अब आते हैं कि यहां साइन ने लिखे सर आप, अब इस साइन का रोल है, फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्टेप में इनटू करके प्रोडक्ट खोजना है दो, फिर ये साइन को देख के उसको ऐड करके एक उसमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। अब इस साइन का रोल है, अब देखो क्या बोला है, ऐड करने, ऐड आपका दो केसेस में होता है, ऐड आपका दो केसेस में होता है, या तो माइनस माइनस भी ऐड होता है और प्लस प्लस भी ऐड होता है। क्या माइनस टू और माइनस टू नहीं ऐड होगा, माइनस फोर और प्लस टू नहीं होगा क्या फोर, लेकिन अंतर क्या आ रहा है, देखिए यहां माइनस फोर आ रहा है, यहां प्लस फोर। अब इस साइन का रोल है ना, ये साइन क्या बोलता है कि ऐसा एडिशन करो कि प्लस आए, क्योंकि यहां प्लस है, तो कौन सा लेंगे प्लस टू, मतलब दोनों में कौन सा साइन जाएगा प्लस आ गया। अब यहां इसको सॉल्व करने के बाद ना यही आना चाहिए आपका, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं इसको मिड ट्रांसप्लेट, ये वैसे ही रहेगा, ये वैसा ही रहेगा, खाली बीच का नंबर टूटेगा, ब्रेक ऐसा होगा कि सॉल्व करने के बाद वापस से वही आना चाहिए, तो ऐसा आ गया। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब कॉमन लेना है, अगेन कॉमन तो हमेशा चलेगा, आप इससे पहले दो एक्सरसाइज पढ़े हो ना, उसको भी इसमें यूज़ करना है, इसीलिए ऑर्डर में चल रहा है। क्या नाइन्थ में एट्थ क्लास का चीज़ नहीं आता है, टेंथ में नाइन्थ क्लास का चीज़ नहीं आता, ऑब्वियस आता है, बस वैसा ही पढ़ाई भी है, मैथ्स भी उसी तरह है, जो पढ़ लिए हैं उसको भूलना नहीं है। अब यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x प्लस फोर, और यहाँ से 3 कॉमन लीजिए x प्लस फोर, ध्यान रहे ये एकदम सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्वेश्चन गलत कर जाएगा आपका। तो x प्लस फोर कॉमन लीजिए तो x प्लस थ्री बचेगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्ट, आंसर फैक्टराइज हो गया। एक क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, जहाँ एक माइनस एक प्लस हो उस केस में देखेंगे, ये बहुत ईजी था, क्लियर रब करें। इसके बाद जो क्वेश्चन होने वाला है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, एक क्वेश्चन ये है, दोनों में प्लस था ना, एक प्लस एक माइनस कर दिए। अब देखिए क्या होगा, स्टेप वन क्या कहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उस बार यहां कुछ नहीं था तो 12 आ गया था, इस बार 2 12 या 24 आएगा माइनस में, केवल इसके नंबर को उठाइए और इसका आप लोग एलसीएम निकालिए, तो 2 12 टाइम्स में, 2 6 टाइम्स में, 2 3 टाइम्स में और 3 1 टाइम्स में। हम ध्यान रहे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, यहाँ हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाते हैं, हमको 20 इन सब का प्रोडक्ट, ठीक। इसमें क्या करना है ना कि दो बनाना है, आप जानते हैं, तो 24 लाना है, तो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 1, दो नंबर चाहिए जिसको इंटू करने से 24 आए, 2 इंटू 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 इंटू 4, और कोई है क्या, मेरे हिसाब से लगता है नहीं है, इन चार में से एक यहां सब्सिट्यूट होने वाला है। अब बताए थे आपको ना, पहला स्टेप में आपको प्रोडक्ट बनाना है, धीरे धीरे सीखिए, हमेशा के लिए याद रहेगा, तो प्रोडक्ट बनाना है, बन गया, इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट होने वाला है। अब ये साइन बताएगा कौन सिलेक्ट होगा, बताए थे ना, ये माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके लाना है इन तीनों में से, इन चारों में से कोई एक, और सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना, बीच वाला नंबर, 8 माइनस 3 5 आ गया, बाकी नहीं आएगा कोई, देख लीजिए, 24 माइनस 1 23, 2 माइनस 12 10, -10 10 जो भी बोलो, 6 माइनस 4 2, तो कौन सा हुआ, 8 माइनस 3 5, तो वो आपको सिलेक्ट हो गया। आप बहुत सिंपल वे में बनाओ, कभी गलती नहीं होगा, 8x 3x माइनस 12। अब रहा इसका साइन देने का, हम साइन नहीं देते हैं, साइन के लिए कौन देगा, ये देगा, साइन कौन देता है दोनों को, ये सभी का यहां रोल है। अब माइनस करके लाना था, तो माइनस दो केसेस में होता है, एक प्लस एक माइनस या प्लस, जैसे +2 -3 क्या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हुआ ना, 3 माइनस 2 1, लेकिन माइनस में आया,
और माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू प्लस थ्री, तो क्या आएगा वन। देखिए ये प्लस में आया या माइनस में, लेकिन दोनों को केसेस में माइनस ही हुआ, लेकिन किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है, तो इन दोनों में से कौन सिलेक्ट होगा, किसका रिजल्ट प्लस में आया, ये। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो बड़ा है उसको प्लस दो और जो छोटा है उसको माइनस दो। यहाँ उल्टा है, देख लीजिए, छोटे वाले डिजिट में प्लस है, बड़े वाले में माइनस है, इस वजह से यहाँ माइनस आ गया। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, एट, और चाहिए क्या प्लस, इसको प्लस दीजिए इसको माइनस दीजिए, कभी पूरे होल लाइफ कभी गलती नहीं होगा, गारंटीड है। अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करिए, 2x कॉमन लीजिए, जो जितना ले सकते हैं, कॉमन पे एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको पढ़िए। x प्लस फोर, और यहाँ से 3 कॉमन लीजिए, x प्लस फोर कॉमन लीजिए, 2x माइनस थ्री, दिस इज योर आंसर। अब हम लोग इस दोनों माइनस वाला लेते हैं, दो प्लस हो गया, एक प्लस एक माइनस हो गया, दोनों माइनस लेंगे या एक माइनस एक प्लस लेते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, रब करें। एक लेते हैं जिसमें शुरू में माइनस होगा बाद में प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। शुरू वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दोनों प्लस था, फिर ये प्लस ये माइनस किए, अब ये माइनस ये प्लस कर दिए, इसको बनाते हैं अगेन, इंटू करिए 90 आएगा, क्या आएगा 90x स्क्वायर, 90 को केवल निकालिए बाहर, इसका एलसीएम निकालिए, 45 3 15 3 5 और 5 1, यहाँ बना लीजिए इसका प्रोडक्ट, 2 × 3 × 3 × 5, इन चारों में से दो प्रोडक्ट बनाना है, जिसको इंटू करने से, सभी को इंटू करने से 90 आएगा, तो बनाते हैं 2 × 3 × 9 × 5 = 45, 90 आएगा ना, चलिए 2 × 3 = 6 × 3 × 5 = 15, 90 आएगा ना, 15 × 6 = 90 होता है, 2 × 3 = 6 × 6 × 3 = 18 × 5 = 90 होगा, और एक लास्ट 90 × 1, चार हुआ ना, हो सकता है एक और हो, मतलब और भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से चार है, और नहीं होगा 90 × 1। अब सभी को इंटू करने से 90 आ रहा है, इसीलिए तो उसका फैक्टर निकाले हम लोग। अब बीच में किस, देखिए क्या है 21, और यहां क्या साइन है, हम आपको बताए हैं, एलसीएम के बाद चार नंबर या तीन नंबर या दो एक कुछ भी आ सकता है, उसमें आपको प्लस का साइन देखिए, क्योंकि प्लस ये साइन बताता है कि ऐड करके कितना लाना है 21, ये साइन बताएगा ऐड करना, और ऐड करके लाना कितना है 21, तो ऐड करो 45 प्लस 2 21 आता है, नहीं आता है, 6 प्लस 15 21 आता है, तो ये आंसर हो गया, मतलब ये सिलेक्ट हो गया, ये तीनों रिजेक्ट हो गया, बाकी में नहीं आएगा 21, देख लीजिए। तो इसको रख देते हैं, एक्स स्क्वायर 6x 15x + 90, अब दोनों को साइन देना है, अब फिर से इसमें आ जाइए, माइनस है ना, मतलब ये क्या है एडिशन, ऐड करके लाना है, ये साइन क्या बोला ऐड करके, तो 6 और 15 को ऑब्वियस से जोड़ना पड़ेगा तभी तो आएगा 21, जोड़ने के केस में दोनों को माइनस दे सकते हैं और दोनों को प्लस दे सकते हैं, दोनों में जुड़ता है, तो जब 6x प्लस 15x करोगे तो क्या आएगा प्लस 21x, और माइनस 6x माइनस 15x करोगे तो क्या आएगा माइनस 21x, क्या चाहिए आपको माइनस 21x ना, तो ये वाला रखना होगा, तो इसको माइनस करिए और इसको भी माइनस करिए, बन गया, कभी गलती नहीं होगा। x कॉमन निकालिए x माइनस 6, 15 कॉमन निकालिए x माइनस 6, एक्स माइनस 6 कॉमन निकालिए एक्स माइनस 15, आ गया आंसर। फिर से बताएं, इसको इससे इंटू करो, पहला स्टेप उसी में प्रोडक्ट निकालिए, उसमें से सिलेक्ट कैसे होगा इस साइन से, दूसरा स्टेप सिलेक्ट करने के बाद साइन किससे देंगे, इस साइन के हेल्प से, आंसर बन जाएगा, तीन ही काम करना है सिर्फ। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं,
जो सीखने के पर्पज से है दोनों माइनस वाला सीखने के पर्पज से है, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर वीडियो को ओवर करेंगे। रब कर दें, आते हैं दोनों माइनस वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 80। अगेन इसको इंटू कर लीजिए, 80 आएगा, 80 का एलसीएम ले लीजिए, 240 टाइम्स में, 220 टाइम्स में, 210 टाइम्स में, 25 टाइम्स में और 51 टाइम्स में। प्रोडक्ट कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दो बनाना है हम लोगों को, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 और 5, 16 इंटू 5। अब बाकी नहीं बनाएंगे, वो सीखने का चीज था, अब धीरे धीरे आप सीखने लगे हैं, तो हम क्यों बार 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 चार पांच बनाए, हमको एक ही चूज करना है तो। और कभी भी मिडिल ट्रू स्प्लिटिंग में नहीं बोलता है कि ये काम करो ये काम करो, डायरेक्ट बोलता है इसको ब्रेक करो बस, जैसे करना करिए। तो वो सीखने के लिए था कि हम बार बार लिख रहे थे, अब एक ही बार में एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्या किए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, तो 16 5, और देखिए यहां क्या साइन है, माइनस, तो एक ही हम सिलेक्ट किए 16 और 5 को, और माइनस करने से कितना आता, 11, 16 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 11 हो गया, सिलेक्ट हो गया ना। चलो हम सिलेक्ट कर लिए, क्यों सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये साइन बोला था सब्ट्रैक्ट करके 11 आना चाहिए, तो 16 माइनस 5 के तो 11 आ गया, इन दोनों को रख दो, 16x 5x माइनस 80, यहां माइनस है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये साइन बोला सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट के केस में या तो एक प्लस एक माइनस होगा, या तो ये माइनस ये प्लस होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों में से एक कौन सिलेक्ट करेगा, ये करेगा, तो ये माइनस है, मतलब रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो बड़ा को माइनस दो और छोटा को प्लस दो, बन गया x कॉमन लीजिए x माइनस 16, 5 कॉमन लीजिए x माइनस 16, कभी गलती नहीं होगा, x माइनस 16 कॉमन लीजिए x प्लस 5, दिस इज योर फैक्टराइजेशन पार्ट। रब करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन रूट वाला है उसको करते हैं और वीडियो को ओवर करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम बनाए हैं उसमें देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन अपने पास है, रूट फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रूट 5, ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है, बनाते हैं इसको, अगेन इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, 5 3 जा 15, कितना आया, मात्र 15 आया, 15 को एलसीएम लीजिए, 2 5 जा सॉरी 2 3 टाइम्स में, 3 5 जा और 5 1 जा, तो 3 इंटू 5 आया ना, 2 ही आया, थोड़ा यहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो देखिए, 5 और माइनस, ये साइन क्या बोला, माइनस, सीधे माइनस करो, हम और दूसरा कोई प्रोडक्ट बन भी नहीं रहा, तो ऑब्वियस से यही आंसर होगा, तो 5 माइनस 3 होता भी है 2, तो लिख दो रूट 5 एक्स स्क्वायर 5x 3x माइनस 3 रूट 5, हाँ ये इधर लिखा गया ये इधर लिखा गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ साइन पे ध्यान देना, अब ये माइनस है मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, अपोजिट साइन से होता है, तो एक को प्लस दीजिए एक को माइनस दीजिए, और एक या तो इसको माइनस इसको प्लस दीजिए कोई दीजिए, तो यहां क्या है प्लस, मतलब इसको आंसर चाहिए प्लस में, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने में प्लस कब आएगा, जब इसको प्लस देंगे इसको माइनस, तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़ा का साइन यहां रह जाएगा। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा नया टाइप का काम करना है, रूट वाला में यही है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, अब यहां से हमको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, रूट फाइव, तो रूट फाइव जब कॉमन लोगे एक्स के साथ, तो यहां क्या बचेगा, एक्स प्लस फाइव का मतलब क्या होता है पता है, फाइव के पास ना ऑलरेडी दो रूट होता है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, फाइव, तो एक रूट फाइव इसमें से ले लिए तो एक रूट फाइव बचा, और यहां से थ्री कॉमन लीजिए तो एक्स प्लस रूट फाइव, एक्स प्लस रूट फाइव कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, फिर रूट फाइव एक्स माइनस थ्री आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहीं बगल में रूट का ही है, इस बार बीच में रूट है, तो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट 14x
प्लस टू, इस क्वेश्चन को करना है, बीच में रूट आ गया है तो कोई नहीं, 7 2 14 आएगा आपका, और 14 को निकालो 2 7 बार में, तो दो प्रोडक्ट आया 2 और 7, बीच में सब्सिट्यूट करके आपको कितना लाना है, ऐड करना है, ऐड करना है और कितना लाना है, 2 root 14। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ऐड करके 2 root 14 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7x² एडिशन है, देख लीजिए दोनों प्लस है तो ऐड करना है, तो 7 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो इस केस में आपको क्या करना है ना, अपने से कुछ सोचना है, तो क्या सोचेंगे कि ये रूट 14 है ना और यहाँ 2 है, तो हम क्यों ना इसको लिख दे √14x + √14x + 2, दो रूट 14 था तो एक एक ठो लिख दिए अलग अलग, हम उसका हेल्प नहीं लिए। अब क्या करेंगे कि यहां से √14 को हम लिख सकते हैं √2 × √7, √14x + 2, अब दोनों में से √7 कॉमन लीजिए, इसके पास दो √7 है तो एक √7x कॉमन लिए तो कितना बचा √7x + √2, और यहां से क्या कॉमन लेना है हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा हमको बीच में क्या है √7x + √2, तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, तो इसको भी फिर से वैसा ही लिख लीजिए √2 √7 + √2 √2। टू को लिख सकते हैं ना √2 √2 इनटू के फॉर्म में, तो √7x ये पार्ट तो हो चुका है, यहां से आप √2 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा √7x + √2। अब इसको कॉमन निकाल लीजिए तो √7x + √2 √7x + √2 यही आया दो बार, और ये ऐसे भी √7x + √2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a² 7x² + b² 2 + 2ab 2√7 × √, वो फॉर्मूला बन गया, तो उसी फॉर्मूला को ब्रेक करने दे दिया था। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है, रब करते हैं, एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन उसको देखते हैं, कुछ ऐसा है 21x² - 2x + 1/21, ऐसा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है, हम सब टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में है तो किस तरह इसको करेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 21 × 21 = 441x², क्योंकि 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, −21 × 2 = 42x + 1, यही आएगा, और नीचे कितना आएगा 21। हम इसको ऊपर का पार्ट को मिडिल ट्रांसप्लेटिंग करने का कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम पहले ऊपर वाला पार्ट को अलग से लिख लेते हैं, लिखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, 441 × 1 करेंगे तो 441 का एलसीएम क्या आएगा 21 × 21 टाइम्स में, तो इसका दो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या निकला 21 × 21, तो यहां डायरेक्ट रख दीजिए, हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ प्लस है, और 21 को जोड़ने से 42 भी होता है, तो 441x² 21x + 1, यहाँ साइन क्या एडिशन और यहाँ क्या है माइनस, मतलब ऐसा जोड़ना है कि माइनस है, तो माइनस एडिशन के केस में आप दोनों साइन माइनस दोगे तभी जुड़ पाएगा, तो माइनस माइनस, अब 21 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 21x - 1, और यहाँ से 1 कॉमन लीजिए क्या आएगा 21x - 1, 21x - 1 कॉमन लीजिए तो 21x - 1 आएगा होल डिवाइडेड बाय 21। इसी को और सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 21x - 1, और 21 से इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 21 किसी को दे दीजिए तो क्या आएगा 21x / 21 - 1/21, ये कैंसल हुआ 21x - 1, और नीचे x - 1/21। क्लियर, तो ये हो गया
हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लोग पकड़ भी नहीं पाता है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई माइनस 5, ऐसा क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ इसको a प्लस बी में तोड़ देते हैं, मत ब्रेक करिए। कुछ लोग यहाँ से x प्लस वाई कॉमन निकाल लेता, तो फिर यहाँ क्या करेंगे? तो क्या करना है हम लोग को, एक छोटा सा काम करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है, और यहाँ x प्लस वाई नहीं है। हम लिख दें x प्लस वाई, लिख देते हैं x प्लस वाई पावर 0 लगा देते हैं, वापस से तो 1 हो गया ना। अब यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, इसको हटा देते हैं, 0 है मतलब 1 है। पावर 2, पावर 1, 0, आप जानते हैं कैसा है, क्वाड्रेटिक, इसको ध्यान देना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे, लेट x प्लस वाई बी वाई ए ले लो, क्यों x y नहीं ले रहे, y बिकॉज x और y यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या ले ले रहे, a, a लिए ना, तो 2 इसको a लिए हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 a माइनस 5। अब सॉल्व कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग x x हुआ करता था, अब a है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 5 जो 10 और माइनस करके लाना है 9, तो 10 1 जो 10, तो 2a स्क्वायर 10a 1a माइनस 5, साइन माइनस है और सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको माइनस दो, इसको प्लस दो, माइनस में अपोजिट साइन देना है, और इसके अकॉर्डिंग बड़ा और छोटा को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला को देंगे, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ना इतना आना चाहिए, तो इसको माइनस, इतना तो फिक्स है कि दोनों को साइन अपोजिट देना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करता, आपको पता है। अब क्या प्रोबेबिलिटी बचता है कि किसको माइनस किसको प्लस दे, तो इसको माइनस दिए तो क्या आया, देखिए 2a स्क्वायर 10a में से 1a गया तो माइनस 9a माइनस 5, वापस से ये आ गया, मतलब सही किए। अगर इसको प्लस इसको माइनस देते तो क्या आता, प्लस 9a, तो क्या आता, मतलब उस काम को आप तोड़ कहाँ पाए, गलत तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, इस वजह से इसको माइनस और इसको प्लस देते हैं हम लोग। अब कॉमन निकालिए 2a, तो a माइनस 5, और यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, a माइनस 5, a माइनस 5 कॉमन लीजिए, 2a प्लस 1। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, a में आंसर नहीं पूछा है, x में पूछा है, तो a के जगह पे x प्लस वाई रखो, y बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस 5 और x 2x प्लस वाई प्लस 1, और थोड़ा सॉल्व करिएगा तो x प्लस वाई माइनस 5 2x प्लस 2y प्लस 1। तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, थैंक यू सो मच।